आप लोगों ने सुनते सुनते करीब एक घंटा तो हो गया। अब एक घंटा में आपने सब कुछ सुन लिया, अब मैं क्या सुनाऊँ आपको? जो आपको सुनना था वो सब सुना दिया, लेकिन मैं आज आपको ना तो धर्म की बात सुनाऊंगा ना संस्कार की सुनाऊंगा। अब क्या सुनाऊंगा वो सुनेंगे आप। जो विषय दिया है सफल जीवन का रास्ता, यही है रास्ता। आखिर है क्या, कौन सा रास्ता है? रास्ता पे सभी चलते, लेकिन रास्ता आखिर है कौन सा? क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हो चुकी हैं, इसको मैं दोहराना नहीं चाहता। क्योंकि बात हो रही है रास्ते की, और जब कोई व्यक्ति रास्ते पे चलता है तो वो अपना लक्ष्य बना करके चलता है कि मुझे रास्ते पे चलना है तो मेरा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के बच्चे के कोई लक्ष्य हैं या आपके लक्ष्य हैं? बच्चों का कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है तो हमारा है। माता पिता का लक्ष्य है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने और जो कुछ भी बने। क्या आप लोगों ने बच्चे से पूछा कि आपको क्या बनना है? पूछा कभी? पूछने की हिम्मत की कि तुम्हें बेटा आखिर बनना क्या है? पढ़ाई तो तुमने कर ली, कर रहे हो, लेकिन अपना लक्ष्य बताओ कि मुझे ये करना है। बच्चे आके टूटते क्यों हैं, हारते क्यों हैं? इसलिए टूटते और हार जाते कि माता पिता ने लक्ष्य दिया कि तुम्हें ये करना है, अब मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? और जब बच्चे आत्महत्या करते हैं तो माता पिता क्या कहते हैं? मेरा बच्चा तो बड़ा सीधा साधा था, बिल्कुल संस्कारवान था, पता नहीं वो ऐसा कौन सा काम किया जिसको ऐसे आत्महत्या करनी पड़े। कि हमारा दोस्त था वो हमने बच्चे के ऊपर थोप दिया, आपकी अपनी गलती थी बच्चे के ऊपर आपने डाल दी। कभी स्वीकार की अपनी गलती को? कि कभी नहीं स्वीकार की। दोस्त किसको देते हैं? बच्चे को दोस्त देते कि बच्चे ने कुछ गलत काम किया होगा, गलत संगति में पड़ गए इसलिए उसने गलत काम कर दिया। आप बच्चे की फोटो जीवन भर देखते हैं लेकिन दोस्त अपने आप को फिर भी नहीं देते कि मेरे दोस्त के कारण बच्चे को ऐसा काम करना पड़ा। किसका लक्ष्य क्या है? सबके आपके अपने सबके लक्ष्य हैं, हमारा भी लक्ष्य है, आपका भी लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य आखिर वो है कौन सा? कौन सा लक्ष्य? सिर्फ लक्ष्य एक ही है कि मेरा बेटा पढ़े और पढ़ कर के एक अच्छा नाम करे। नाम किस चीज़ में करे? दोनों में नाम होते हैं, दोनों समझते हैं। एक अच्छा काम करता है तब भी नाम होता है, और गलत काम करे तब भी नाम होता है। अब कौन सा नाम आपको चाहिए ये आप देख लो कि आपका बेटा कौन सा काम करे जिस मुझसे का नाम हो। बच्चे की हर माता पिता की ख्वाहिश पूर्ण करने की इच्छा होती है कि मैं हर जो माता पिता चाहते हैं मैं उस पर खरा उतरूँ, लेकिन जब खरे नहीं उतर पाते हैं तो अपने आप को हीन दृष्टि से देखते हैं कि मैं माता पिता के काम को या माता पिता की नज़रों में सफल नहीं हो पा रहा। तब आप क्या कहते हैं अपने बेटे से? क्या कहते हैं? मैं कहूँ या ना कहूँ? अगर आपका बेटा बढ़ता है, मैं ज़्यादा ऊपर क्लास की बात नहीं करूँगा, मैं सबसे नीचे की बात करूँगा, आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, जब वो 95% नंबर लाता है तब आप क्या कहते हो? इतने कम नंबर क्यों लाए? कहते कि नहीं कहते? अगर मैं गलत बोलूं तो ताली बजा देना, सुन लिया? मैं कहीं गलत बोल जाऊं तो ताली बजा दे, महाराज आप गलत बोल रहे हो, सही क्या हम बताते। कभी आपने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जितने आए उतने अच्छे हैं, आगे और बढ़ाने की पुरुषार्थ करना, कोशिश करना? कभी किसने अपने माता पिता ने अपने बच्चों से बात कही? एक आध कोई हो तो हाथ उठा के बता दो कि मैं अपने बेटे से कहता हूँ तुम सही किया। कोई नहीं कहता, सब यही कहते कि इतने नंबर कम क्यों लाए हो। अब बच्चे का जितना बुद्धि, जितनी बुद्धि होगी उतनी तो चलेगी, अब वो कहाँ से लाएगा? लेकिन फिर भी हम उसको ताने मारते, बेटा
तो दिन भर खेलता है, ये करता है वो करता है, पढ़ाई नहीं करता, कम नंबर आते। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपकी उम्र 6 साल 7 साल की थी तब आप क्या करते थे? आपको अपना बचपन याद होगा, क्या करते थे बताइए? वो कि यहाँ सारे सारे बैठे हैं, बच्चों के माता पिता बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं, बच्चों ने अपना बचपन देखा नहीं कि बचपन आखिर होता क्या है? आपने बचपन अपना देखा, बताओ आपका बचपन कैसा था, क्या करते थे 6 साल में? जब पहले विद्यालय में नाम लिखाने जाते थे, कहते थे कान पकड़ के दिखा दो तो आपका नाम लिख लिया जाएगा विद्यालय में। कान कैसे पकड़ना? ऐसे नहीं पकड़ना, इसको ऐसा ले जाओ, ऐसा पकड़ के दिखाओ। 9 साल के भी हो जाओ, कान नहीं पकड़ पा तो घर पे खेलना भी। लेकिन आज बच्चा 6 महीने का भी होता है तो स्कूल में डाल देते हैं। आजकल स्कूल 6 महीने के भी खुल गए, चिंता मत करना, आप लोगों की सारी सुविधा हो गई है। आपका काम बस बच्चा का है, बच्चे को जन्म दे दो, 6 महीने तक घर में रखो, 6 महीने के बाद धाई आएगी, स्कूल खुले हैं, वो सारा पालन पोषण कराएगी। अब बताओ आपकी बच्चा करेगा क्या, क्या सीखेगा आपका बच्चा, कुछ सीख पाएगा क्या? लेकिन दोष हम किसको देते हैं? बच्चे को देते, अपने आप को दोषी कभी नहीं कहते हम। क्यों कहें, क्यों नहीं देते? क्योंकि अपने आप को दोषी देंगे तो बच्चे का क्या होगा फिर? तो हमें किसी को नहीं बदलना, हमें अपने आप को बदलना, अपनी सोच को बदलना है। क्योंकि हमारी सोच है वो पूरी विपरीत दिशा की ओर जा रही है और जा चुकी है। क्योंकि जिस माता पिता से पूछो वही कहता मेरा बच्चा है, सर्विस करे, बाहर जाए घर के, बस इसके वाला कुछ नहीं करना उसको। जैसा ये वक्ता बता रहे थे कि माता पिता घर में पैसा भेज देंगे, जब माता बच्चे को माता पिता की आवश्यकता थी तब आपने उसको घर के बाहर भेज दिया और कहते बेटा तुम पढ़ाई कर लो, पैसे मैं भेजता रहूँगा। तो बेटा भी आपको जवाब वही देता है कि पिताजी अब आपको मेरी ज़रूरत है, मैं आपको पैसे भेजता रहूँगा, आप अपने इलाज करा लेना। कि जैसा आपने बेटे के साथ किया वैसे ही आपने बेटे के साथ किया, बेटे ने कौन सा गलत काम किया? कोई गलत काम किया क्या? नहीं किया उसने, जो आपके बदले आपको जैसा किया बदले में आपको वही दे दिया, आप स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो आप। क्योंकि हमने बच्चे के ना तो संस्कार ऐसे दिए ना ऐसी बच्चे की सोच को बदला कि बच्चा कुछ कर सके। क्योंकि वक्ता बहुत से हैं यहाँ, सब सुनने वाले हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि सुनाए तो क्या सुनाए। क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगा तो आपको सबको बुरी लगे एक तरफ से सारी बात मेरी, लेकिन रोग ठीक करना है तो दवाई कड़वी देनी पड़ती है। आप डॉक्टर के यहाँ जाओ, उससे कहो मुझे मलेरिया हो गया है, मुझे दवाई दे दो लेकिन कड़वी ना हो, तो डॉक्टर क्या करेगा? वो कहेगा आप घर जा कर के इलाज कर लो। अगर रोग ठीक करना है तो दवाई कड़वी देनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। मेरी बात है, सबको बुरी लग सकती है, बुरी लगे अच्छी बात है, लेकिन किसी काम में या कोई सुधर जाए तो मैं मानूंगा कम से कम कोई तो सुधराई का था इतनी सभा में से। एक वक्ता ने भी कहा था कि हमारा दुर्भाग्य है कि नगर में ऐसे मुनि हैं और सभा पूरी खाली है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जिनका पुण्य होता है वही सभा में आ पाते हैं, जिनका पुण्य है वही यहाँ सभा में बैठे हैं, तो अपने घर पर बैठे हैं। बहुत पुण्यशाली हैं वो लोग जो इस सभा में आज बैठे हैं, क्योंकि भगवान का साक्षात समूषण लगा है, देख लो आप लोग। और भगवान के समूषण बैठने वाला कभी पुण्य ही नहीं होता, पुण्यपान ही होता है। हर किसी के बस के नहीं समूषण में जाने के लिए, सभी जाते हैं लेकिन भगवान के जहाँ ऊपर बैठने की व्यवस्था रहती है वहाँ सब नहीं जा पाते, वहाँ के पहले सब लौट करके चले जाते हैं। जो सभा में बैठे हैं वो बहुत पुण्यशाली हैं, उन्होंने कई जन्मों का पुण्य एकत्रित किया है जो भगवान के साक्षात समूषण बैठने का आज अवसर प्राप्त किया है। अब उस अवसर में बैठे हैं तो अपने आप को कुछ बदलना और सुधारना भी पड़ेगा। सिर्फ मैं बता सकता हूँ, करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। तो सबसे पहले हमें आखिर करना क्या है? तो सबसे पहले आपको मानसिकता सुधारना है। मानसिकता क्या सुधारना है कि मानसिकता ये सुधारने की जो हमारी भाषा है, सबसे पहले आपको उसको बदलना पड़ेगा। जब तक आप भाषा को नहीं बदलोगे तब तक आप कुछ नहीं बदल सकते।
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता ना मिलती तो अच्छा था, स्वतंत्रता मिलने के बाद हम परतंत्र हो गए। मेरी बात बुरी लग रही होगी कि स्वतंत्रता क्यों मिली आपके? स्वतंत्रता नहीं थी तब तक तो हम अच्छे थे, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद परतंत्रता आ गई। क्यों आ गई वो भी सुन लो कि आज बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, अगर मातृभाषा बोलते हैं तो फाइन देना पड़ता है। सुनाई दे रहा पीछे वालों को कि आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते और हिंदी बोलते, अपनी भाषा बोलते, मातृभाषा बोलते हैं तो फाइन देना पड़ता है। जब परतंत्र स्वतंत्र नहीं थे, परतंत्र थे, तब अपनी भाषा दिल खोल करके बोलते थे। स्वतंत्रता अच्छी है कि परतंत्रता अच्छी थी? कौन सी अच्छी थी? परतंत्रता फिर भी अच्छी थी कि हम अपनी दिल खोल करके भाषा बोलते थे, लेकिन आज स्वतंत्रता होने के बाद भी अपनी भाषा को बोलने के बाद फाइन देना पड़ता। अब बताओ आखिर होगा क्या आगे? किसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं? आप जा कर के देख लो, हर स्कूल में आधे से ज़्यादा जैन को बच्चे मिलेंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले। और आपसे कहा जाए कि आपके धर्मशाला के पीछे सन्मति विद्या मंदिर है, बताओ कितने बच्चे जैन समाज के स्कूल में पढ़ते हैं? क्योंकि सिर्फ सोच बदल गई हमारी, स्कूल अच्छा है, फीस अच्छी है, स्कूल अच्छा होगा। कभी जाकर के देखो अंदर होता क्या है, कभी देखा जाकर के? जब हम पढ़ते थे तो हमें शायद याद नहीं कि पूरी पढ़ाई शायद हमने 10,000 रुपये में कर ली होगी, पहली क्लास से लेकर के एमए तक की। आज पढ़ाई करते बच्चे, हमने उस दिन भी कहा था कि केजी बन के बच्चे की फीस 2.5 लाख रुपये है। सोचो कि 20 साल जब पढ़ेगा तो कितना खर्चा आएगा? आखिर पढ़ाई है सी है, कौन सी पढ़ाई है? बच्चों को पढ़ाते क्या है आखिर? और बच्चों को पढ़ाने के बाद स्कूल में 6-8 घंटे बच्चा रहता है, सुबह 7 बजे जाएगा, 2 बजे लौटेगा, 3 बजे घर आएगा, 4 बजे कोचिंग जाएगा, 6 बजे लौटेगा, आखिर बच्चे स्कूल में करते क्या है? कौन सी पढ़ाई करते आखिर बच्चे कि उनको जो कोचिंग फिर जाना पड़ता पढ़ाई करने के लिए? आखिर पढ़ाई कौन सी कर क्या कर रहा है आखिर वो? कभी आपने देखा उनकी पढ़ाई, बस्ता देखा उनका? और आपका अपना बस्ता देख लो, कितना बस्ता आप इसको ले जाते थे, आज बच्चे कितना बड़ा ले जाते। कभी गौर किया इन बातों पर? फिर भी लेकिन माता पिता कहते नहीं, मेरा बच्चा तो उसी स्कूल में पढ़ेगा। अब उसमें संस्कार आए या ना आए कोई मतलब नहीं। क्या होगा फिर आप लोगों को, क्या करोगे आगे जीवन में? यही कि बच्चे को पैसा कमाना सिखा दो कि पैसे कैसे कमाना जाता है, कैसे कमाना है और कैसे गंवाना है, लेकिन उससे संस्कार की बात कहो तो सारे के सारे संस्कार को पोटली बांध करके एक तरफ रख देता है कि संस्कार एक तरफ गए, मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। याद रखना, जीवन में संपत्ति की विरासत काम में नहीं आएगी कभी, संपत्ति की विरासत कभी काम में नहीं आएगी, काम में आएगी तो सिर्फ एक संस्कारों की विरासत काम में आएगी जो आपको परमात्मा बनाने में काम देगी। कोशिश कर लेना कभी। संपत्ति 3 लोग के पास बहुत थी, 24 तीर्थंकर बताओ कितनी संपत्ति, अटूट संपत्ति थी, लेकिन कौन सी संपत्ति काम आई? उनके संस्कार ही सिर्फ काम में आए, संस्कार आने के बाद वो परमात्मा बन पाए। बिना संस्कार के परमात्मा नहीं बनते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से कभी कहते हैं कि मंदिर जाओ या पाठशाला जाओ? कहते कभी? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बच्चे को पढ़ाई करनी। क्या पढ़ना आखिर? कब तक पढ़ना? कितना पढ़ना? कितनी पढ़ाई कराना फिर बच्चे से कि पढ़ पढ़ के पंडित भाई एक दोहा था भूल गांव में, क्या है वो अब लोग, हो सकता आपको याद है तो सुन कर लो, पढ़ पढ़ के पंडित भय, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आप बताओ कि आपने अपने बच्चे को कौन सा 2.5 अक्षर पढ़ाया है प्रेम का, पढ़ाया कभी? क्योंकि जब आपको बच्चे को प्रेम बात्सल्य देने का समय था तब आपने अपने आप को उससे दूर कर दिया। वो क्या बात्सल्य सीखेगा, क्या प्रेम सीखेगा, सीख पाएगा कभी क्या? जब उसको ज़रूरत थी तब अपने अपनी गोदी से उठाकर उसको बाहर फेंक दिया कि तुम मेरे पास नहीं रहना, तुम धाई के पास ही हो। एक धाई के पास जाने के बाद धाई क्या संस्कार उसमें देगी?
क्या संस्कार दे पाएगी? क्योंकि तो मेरे पास पैसा है तो मैं कुछ नहीं करूंगी, धाय सब कुछ करके दे देगी। लेकिन धाय कर तो देगी, लेकिन जो संस्कार धाय के अंदर है वही संस्कार आपके बेटे के अंदर भर देगी वो। और वो संस्कार जब भर जाते हैं तो बेटा कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि तो संस्कार किसके हैं? धाय के संस्कार। धाय क्या संस्कार देगी अपने बच्चों को? लेकिन हम अपने बच्चों को धाय के यहाँ सौंपते हैं और संस्कार धाय से दिलाते कि तो इसको संस्कार दे। अब आपका बच्चा वीर बनेगा या कायर बनेगा देख लो। आज बच्चे कभी कोई फैसला नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि तो बच्चे को सिखाया नहीं, संस्कार ऐसे नहीं दिए कि तुम कोई फैसला अपना स्वयं कर सको। डर जाते हैं, अपना फैसला नहीं कर सकते कि मुझे कोई फैसला करना। डरते क्यों डरते हैं? क्योंकि माँ ने संस्कार नहीं दिए। माँ ने संस्कार दिए होते तो फैसले पे अड़ग हो जाते कि मुझे फैसला एक बार में कर लेगा कि मुझे फैसला ही है हमारा, सुना देगा फैसला। लेकिन बच्चे फैसले नहीं सुनाते, सोचते विचार करके बताएंगे। क्यों विचार करके बताएंगे? क्योंकि संस्कार धाय के थे। एक धाय के संस्कार एक माँ के संस्कार में कितना फर्क होता है। इन माँ के संस्कार तो वीर बना सकता है और बन जाते हैं, लेकिन धाय के संस्कार कभी वीर नहीं बना सकते बेटों को। और अगर अपने बेटों को वीर बनाना है तो स्वयं संस्कार देना सीख लो। लेकिन संस्कार बेटे में कब आएंगे? जब आपके अंदर संस्कार होंगे। अब आपके अंदर ही संस्कार तो बेटे के अंदर कौन से संस्कार आएंगे? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मंदिर कब जाते हैं, कब सोकर उठते हैं? जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद आप सोकर उठते हो। जब मंदिर की घंटी बज जाती है तब कहते अभी तो अभिषेक चलेगा, थोड़ा सा और सो लो। जब भगवान इंतजार करते कि हाँ आ गए अभिषेक करने वाले, कर लो हम चले जाएंगे, बाद में वेदी पर विराजमान हो जाएंगे। क्या संस्कार देंगे आप? कौन से आपके अंदर संस्कार हैं? है कोई संस्कार? कोई संस्कार नहीं। क्यों नहीं संस्कार? क्योंकि मेरे पास जो सबसे अच्छा साथी होना चाहिए वो साथी आपके पास है, और उस साथी ने तो ऐसा कर दिया कि सारे घर को बांट दिया है। वो कौन है? कौन है वो, जानते हैं आप लोग? वो आज हर व्यक्ति के हाथ में है। वो कहता है जी है तो मेरा जीवन है और ये नहीं तो मेरा जीवन कोई काम का नहीं है। कौन सी चीज है आखिर वो? मोबाइल है आपको। क्योंकि मोबाइल अगर है तो ना बच्चे की चिंता है, ना माँ की चिंता है, ना पति की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मोबाइल आपकी परमेश्वर है, मोबाइल ही सब कुछ हो गया। घर में अगर चार भाई हैं, पति पत्नी हैं और दो बेटे हैं, तो चारों के हाथ में घर के चार कोने रहते कि एक कोने माँ बैठी, एक पत्नी पिता बैठे, दो कोने में दोनों भाई बैठे। पानी चाहिए है, मैसेज कर दे माँ प्यास लगी पानी दे दो। इतना भी नहीं बोल पाता कि प्यास लगी पानी दे दो माँ, मैसेज कर देता तो बेटी मैसेज कर देती है, माँ भी मैसेज कर देती है मैं अभी व्यस्त हूँ पानी जा करके पी लूँ। मैं गलत बोलूँ तो फिर कह रहा ताली बजा देना, क्योंकि जो बात सही है वो कहनी पड़ेगी। जब तक आप इन चीज़ से दूर नहीं होगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मुझे पता है मैं बोल जरूर रहा हूँ लेकिन होना कुछ नहीं है, क्योंकि हम इतने आदि उस चीज़ के पड़ चुके हैं कि भोजन ना मिले तो भी चल जाएगा, पानी पीने को ना मिले तो भी चल जाएगा, सोने को बिस्तर ना मिले तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल नहीं है तो समझ लोगे कि प्राण इधर अटके हैं, बस बाहर निकलने की देरी है। क्यों देरी है? क्योंकि मेरा जो सब कुछ था उस मोबाइल में तो था। अब आपका जीवन सफल होगा या क्या होगा? कैसे अपने जीवन को सफल बना पाओगे? अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो आपको चार चीज़ों को अलग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मोबाइल को अलग करना पड़ेगा, दूसरा मूवी इसको आप लोग पिक्चर बोलते हैं, तीसरा मैगजीन, और चौथा है मैच्योरिटी जिसको आप लोग बोलते हैं फ्रेंड सर्कल। जब तक आपके पास ये चार चीज़ें रहेंगी तब तक आप कभी सफल नहीं हो पाओगे जीवन। और सफल होना है तो इन चार चीज़ों को बांध करके एक तरफ रख दो, आप देखते हैं आपके पास सफलता आपके कदमों में खड़ी कि मैं कहाँ जाना मुझे।
आप नहीं कहोगे मुझे इधर जाना, सफलता में खड़ी कि बताओ मैं आपको ले चलना हूँ, आप किधर चलना है। लेकिन हम मोबाइल के इतने आदि हो गए हैं कि सफलता भी कहती कि तुम जाओ, मेरे सामने नहीं हमारे पास सब। कैसे आके जीवन को व्यतीत करो, कैसे जीवन यापन करोगे आप लोग? क्योंकि हर व्यक्ति के पास खाने को ना उतल चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले मोबाइल चाहिए। एक कहते कि आगम में तो सिर्फ 10 ही प्राण बताए हैं, लेकिन आगम भी अब बदलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि 11 प्राण भी होते थे कभी। वो 11वां प्राण कौन सा है? मोबाइल। देख लो किसी का गुम जाए अगर मोबाइल, देखो एक घंटा अगर ना मिले फिर देखो क्या होता है, क्या होता है जानते हैं आप लोग? सारे जहाँ जहाँ आपको पहुँचना चाहिए वहाँ वहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल गुम गया है। आखिर कौन सी चीज़ थी मोबाइल में, क्या था आखिर उस मोबाइल में जो हम ना पास नहीं है? क्या है आखिर मोबाइल? वो मोबाइल बनाने वाला आखिर कौन है? जिसने बनाया मोबाइल वो भी पछता रहे कि मैंने मोबाइल बना करके गलत किया है, लेकिन बन गया है तो कर कुछ नहीं सकते। तो हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, और सफल बनाना है तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को अलग करिए। आप स्वयं सोचिए कि मेरे जीवन में बाधा करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप अलग करते जाइए। जब आप उनसे अलग हो जाओगे तो आपको सफलता का रास्ता दिखेगा कि रास्ता यहाँ जा रहा है, आपको यहाँ जाना है। जब तक आप सफलता में जो परेशानी जा रही है आपको, उन चीज़ों को आप अलग नहीं करोगे, उन वस्तुओं से दूर नहीं हो गए आप, तब तक सफलता को हासिल नहीं कर सकते। आपको स्वयं को सोचना है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। आप विचार करें सोच करके, एक दिन आप मोबाइल का त्याग करके देखो आपको कैसा लगता है। 24 घंटे मोबाइल का त्याग करके देखो एक दिन कि आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं या बुरा महसूस करते हैं। सिर्फ 24 घंटे करके देखना कि आज मैं मोबाइल का त्याग है, मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, तब आप देखो कितना आनंद का अनुभव करते हैं। जब जिस चीज़ से मुझे परेशानी होती है तो उस चीज़ को अपने पास रखते ही क्यों हो, क्यों रखते हैं? आप स्वतंत्र हो जाओ, एक दिन छोड़ के देख लो, आप प्रैक्टिकल करके देखो कभी भी कि अगर एक घंटा अगर एक दिन मोबाइल नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, कितने स्वतंत्र हैं अपने आप, कैसा आपको लगता है आज? लेकिन एक घंटा क्या, एक मिनट भी नहीं छोड़ सकते। थोड़ा सा अगर नींद लग गई और हाथ में से कोई खींच ले तो नींद खुल जाती, कोई मोबाइल ले जा रहा है, और नहीं खुलती तो उसको ज़ोर से दबा देते, कोई छोड़ ना ले, खींच ना ले। इतने आदित हम मोबाइल के हो चुके। जब तक ये मोबाइल रहेगा तब तक आप कभी सफल नहीं हो सकते, और सफल होना है तो सबसे पहले इसको आपको त्याग करना पड़ेगा। जब आप इसको त्याग करोगे तब कहीं अगर कि आपकी सोच चलेगी कि मुझे क्या करना है। जब आप अपनी सोच को चलाओगे तो सबसे पहले आपको एक चीज़ आएगी, मेरे जीवन में कितना पुण्य है और कितना पाप है। मैं धर्म नहीं ला रहा हूँ अभी आपको, मैं अंत में लाऊंगा कि कहाँ ले जाना है, कि मैंने जीवन में कौन से ऐसे पुण्य के कार्य किए थे जो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, और कौन सा पाप किया था जो सुख सुविधा मिलने के बाद भी हम जिनेंद्र भगवान के चरणों तक नहीं पहुँच पा रहे। अगर ऐसा कौन सा पाप किया हमने, पाप भी है और पुण्य भी है, दोनों चीज़ आपके हाथ में, कि मैंने पाप भी किया है और पुण्य भी किया है। पुण्य इतना कर लिया कि जैन कुल मिल गया और भगवान का साक्षात समूषण भी मिल गया, लेकिन समूषण मिलने के बाद भी हम समूषण में नहीं पहुंच पा रहे, आखिर कौन सा पाप किया आखिर हमने? पूछो अपने आप से, भगवान से कुछ मत पूछना, क्योंकि भगवान पत्थर के हैं, ना वो बोलेंगे ना वो सुनेंगे। सुना, ये बैठे भगवान वो सुनते नहीं हैं, ना बोलते हैं, ना वो कुछ देते हैं, लेकिन ध्यान रखना देंगे तो वही देंगे जिनके पास कुछ नहीं है। ये आपको विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ मिल रहा है मुझे इनकी बदौलत मिल रहा है, जो मिलेगा तो इन्हीं की बदौलत से मिलेगा। अगर मेरे जीवन में कोई पुण्य होगा तो मुझे साक्षात मिलेगा। लेकिन हमने वहाँ तक पहुँचने पर रोक लगा दी। अब ध्यान से थोड़ा सुन लेना मेरा विषय जो कह रहा हूँ।
कि मैंने अपने कारण को रोक लगा दी, जो व्यक्ति आना चाहता है उसको रोक ली तो अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैंने नियम बना दिया है। कमेटी के लोग बैठे सुन लेना अच्छे खोल कान खोल करके कि हमने नियम बना दिया, चाहे बहन हो या भाई लोग हों जो भी हों, कि जीन्स पहनकर मंदिर में नहीं आएंगे, टी शर्ट पहन करके मंदिर में नहीं आएंगे, फटे कपड़े पहन करके मंदिर में नहीं आएंगे। ये सारे नियम बदल दो आज आप लोग। जिसको जैसे कपड़े पहन करके आना वैसे मंदिर में आए, मैं छूट दे रहा हूँ आज खुली आप सबके लिए, चाहे बहन हों चाहे भाई लोग हों, सबको छूट है। कि फटे कपड़े पहन करके आना, फटे पहन करके आओ, कम पहन करके आना पहन करके आओ, लेकिन मंदिर आओ। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे आओगे वैसे मंदिर से जाओगे। भगवान के पास भिखारी बन के आओगे तो भिखारी बन के ही वापस जाओगे, और राजा बन कर आओगे तो राजा बन के जाओगे। दूसरा नियम बना देना कि मंदिर में आपको आने की सब छूट है, फटे कपड़े पहन करके आने की छूट है, ओछे कपड़े पहन करके आने की छूट है, जींस टी शर्ट पहन कर आने की छूट है। लेकिन दूसरा नियम सुन लेना कि जब भी आप किसी की शादी पार्टी में जाओ, घर के बाहर घूमने जाओ, पिक्चर देखने जाओ, तो सलवार सूट पहन करके जाना, सिर ढक करके जाना। कौन सा नियम मंजूर है? किसी की हिम्मत है कोई ताकत भर कि मैं इस चीज को पालन करने की संकल्प लेता हूं? क्यों आखिर हम मंदिर में नियम इसलिए बना देते हैं? और ये नियम आप लोग तोड़ देना, मैं सबको खुली छूट के सारे नियम तोड़ दो आप, कि मंदिर में जैसे आना वैसे आओ। क्यों आओ? क्योंकि मंदिर में देखने वाले कितने लोग आपके लिए मिलते हैं बताओ, और कौन कौन रहता है? और जब घर के बाहर आप फटे कपड़े पहन करके जाए तब देखने वाले कौन कौन लोग रहते हैं? कैसे कैसे लोग आपको अपनी नज़रों से देखते हैं? कई विचार किया, सोचा इस बारे में कि हमने मंदिर में तो बैन लगा दिया, पाबंदी लगा दी कैसे वस्त्र पहन करके नहीं आओगे, लेकिन कभी बाहर आपने पाबंदी लगाने की कोशिश की? कैसे कैसे लोग देखते हैं आप, किस नज़रों से देखते हैं? इसके बाद तो कहीं विचार कर लेना कि मैंने जो नियम बताया वो सही के गलत है। क्यों? क्योंकि आपको देखने वाले बाहर सब लोग मिलेंगे, जब सब लोग मिलेंगे तो देखने वाला कहेगा कि देखो कितने संस्कार इस माता पिता ने इस बच्ची के लिए, कैसी वर्तमान परिस्थिति में भी ऐसे बस तो अपनी सील की रक्षा करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आपको नाम अच्छा है कि बदनाम होना अच्छा है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगेगी? एक कहते ना कि अगर भैंस का झुंड चल रहा हो उसमें अगर एक सफ़ेद गाय आ जाए तो कैसी लगती है, कैसी दिखती है देखने में? भैंस का झुंड चल रहा है और एक गाय उसमें बीच में कहीं सी आ जाती सफ़ेद बिल्कुल, तब आप क्या कहते हैं? देखो वो गाय जा रही है। उसी प्रकार अगर एक अमर्यादित वस्त्र पहने हो, सारे झुंड चल रहा हो, उसमें एक संस्कार कोई बहन पहुंच जाए सलवार सूट से ढक करके, तो क्या कहते लोग कि देखो कितने संस्कार परिवार ने दिए, माता पिता ने दिए हैं, अलग दिखती है वो। लेकिन ये किसी को पसंद नहीं आता कि माता पिता की कोई सुन सके, क्योंकि इच्छा नहीं होती कि सुनने के बाद मेरा सीना फूल जाए, नहीं सुनना चाहते। ये सारे के सारे या जितनी समस्याएं समाज के बीच में खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं आखिर? सिर्फ हमारी गलती के कारण खड़ी हैं, इसमें किसी और की गलती नहीं है। क्योंकि हमने इतनी पाबंदी लगा के रखी दी है कि लोग मंदिर के नाम से डरते हैं कि मंदिर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना क्योंकि मैं देखता हूँ जहाँ हम बैठते हैं वो खिड़की है, और खिड़की पूरा सड़क दिखती है हमारी खिड़की में से। जैन समाज कितनी बच्चियाँ निकलती हैं कोचिंग के लिए शाम को, सारे की सारे जीन टी शर्ट पहन के निकलती हैं, वो दर्शन करने मंदिर भी नहीं आती न संत निवास में जाती। क्यों नहीं जाती? वो कि अभी टोक देगा कोई कि जीन्स टी शर्ट पहन के क्यों आई है, क्योंकि सोच बन गई हमारी, बदल गई सोच। अगर महाराज के पास चली जाए जीन्स टी शर्ट पहन करके तो क्या होगा? नमोस्तु करने तो जा रही है, और नमोस्तु करने जाएगी, एक बार जाएगी कुछ नहीं कहेंगे, दूसरी बार जाएगी कुछ नहीं कहेंगे, तीसरी बार जाएगी तब भी कुछ नहीं कहेंगे महाराज, लेकिन जब चौथी बार जाएगी तो उसको प्रेम से समझा देते, और जब प्रेम से किसी को समझाओ तो सब मान जाते हैं। लेकिन हमने पहले पाबंदी लगा के रख दी कि तुम ऐसे वस्त्र पहन करके न संत निवास में जाओगे
न मंदिर में जाओगे। मंदिर से विमुख विमुख भगवान से दूर किसने कर दिया? हमने किया या वो बच्चे हो गए? किसकी गलती? किसने कहा था कि मंदिर नहीं जाना? बच्चे मंदिर जाना चाहते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? सिर्फ इसी डर से कि लोग मुझे अभी टोक देंगे और मुझे बुरा लग जाएगा। इसमें दोष क्यों है? कौन दोषी आके? हमने अपने बच्चों को मंदिर से दूर कर दिया तो मंदिर नहीं आना आज के बाद। जैसे तैसे बच्चे मंदिर आते हैं, दूर हो जाते हैं। कहीं विचार किया कि आपकी उम्र कितनी बची है? इसको ले जाने वाला कौन आगे तक ले जाएगा? वही बच्चे तो आज जिनके कंधों पर भार रखना है, और उन्हीं बच्चों के भार हमने उठाने रखने के पहले अलग कर दिए कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, तो कौन उठाएगा भार? कब तक आप खींचोगे इसके लिए? आगे जाकर होगा क्या? लेकिन पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म रहेगा, धर्म तो रहेगा। कैसे चलेगा? वो ऐसे ही चलेगा। तो हमें अपनी सोच को बदलना है और कुछ नहीं करना। और सोच को बदलना है तो सबसे पहले आपको अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी भाषा नहीं बदलोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे हम पहले कह दिया कि बताओ ऐसा कौन सा देश है, आप लोग सब स्वाध्यायशील हैं, अध्ययन करने वाले हैं, मोबाइल के जमाने वाले सब कुछ पढ़ते हो, ऐसा बताओ कौन सा देश है जहाँ की भाषा बोलने पर किसी को पेनाल्टी लगती है? ऐसा कोई देश कभी सुना कभी आप लोगों ने? सुना हो तो बता देना, देख लेना मोबाइल में, सर्च कर लेना, किसी न्यूज़पेपर में देख लेना। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अपनी भाषा मातृभाषा बोलने पर पेनाल्टी लगती है। अब बताओ ऐसे में आप लोग क्या करोगे? उसके बाद भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजते हो और सीना ठोक के क्या कहते हो कि मेरा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। कॉन्वेंट का अर्थ आप लोगों को पता है क्या होता है? पता है? आपटे की डिक्शनरी देख लेना, शिवराम आपटे की, उन्होंने लिखा कि कॉन्वेंट का अर्थ क्या होता है। तो लिखा है कॉन्वेंट का अर्थ अनाथ आश्रम होता है। आप सोचो कि हमने अपने बच्चों को जीते जी अनाथ कर दिया। जब आप अनाथ हो गए तो बच्चे आप क्या अपेक्षा रखोगे और आपसे क्या रखें? कौन अपेक्षा रखेगा? कि अपने बच्चों को आपने कह दिया कि तुम अनाथ हो, तो मेरे बच्चे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए माता पिता मर चुके। उसके बाद भी बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा तो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है आपका बेटा? क्योंकि आपने बच्चे को गोद लिया है, क्योंकि आपका बच्चा तो अनाथ था, आपका बेटा हो कैसे सकता हो? सभी के बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट में, मैं एक का नहीं कह रहा हूँ, सभी के बच्चे पढ़ते हैं। और सन्मति में, सन्मति स्कूल का नाम है, कौन सा नाम है स्कूल का? जैनम, जो स्कूल संस्था का चलता है आप लोगों की, जैन माध्यमिक विद्यालय। इसमें कौन से बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको कौन संस्कार देता है? जो उच्च कुल के बच्चे उसमें नहीं आते, उसमें नीचे वाले बच्चे आते, नीच कुल वाले बच्चे, वो संस्कार देते हैं। आप लोग धर्म किससे चलेगा? क्योंकि आपको बच्चों को चिंता नहीं कि मेरे बच्चे संस्कारवान बने। उस संस्कारवान बच्चे बन गए तो अपना जीवन सफल बनाने को सफल रास्ते पर चले जाएंगे। इस सफल जीवन के रास्ते किसके लिए बनाए जा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए या दूसरों के बच्चों के लिए? कौन से बच्चों के लिए बनाना है? अगर आपको अपने बच्चों के लिए सफल जीवन के रास्ते बनाना है तो दो चीज़ आप सुधार लो, आपकी सारी चीज़ सुधर जाएंगी। एक शिक्षा सुधार लो और एक संस्कार देना उनको शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ नहीं करना। बच्चा सारा काम करेगा आपको पहले का समय तक, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा और महाराज श्री को भी सुनना हो। मैं अंत में अपनी बात को कुछ शब्दों पर आराम करूँगा कि जब माँ घर में रहती थी तो बच्चे को सब कुछ सिखाती थी, कहती थी वहाँ से टोकरी रख दी उसने सब्जी की, उसमें से एक एक करके लाओ, एक लाओ, गिनती सिखाती थी। अब दो लाना, तीन लाना, चार लाना, पूरी गिनती सिखाती थी और पूरे शब्द अक्षर सिखाती थी कि वो चीज़ लाना वो लाल है, वो टमाटर है। तो ऐसे करके सारे हिंदी वर्णमाला की अक्षर सिखाती थी और गिनती सिखाती थी। आज कौन सी माँ को फुर्सत है कि अपने बच्चों को घर में करती है? क्यों? क्योंकि उसके पास मोबाइल से फुर्सत नहीं। मोबाइल से फुर्सत हो
तो कुछ समय मिले बच्चों को दे सके, सिखा सके, लेकिन जब तक ये मोबाइल रहेगा तब तक आप अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकते। और सफल रास्ते बनाना है बच्चों के, तो उनसे पूछो बच्चों से कि आपको क्या बनना है। उनको जो बनना है उनको छोड़ दो, वो पूरी लगन से करते कि मुझे इस चीज़ करना है, वो करके दिखा देते हैं। लेकिन आपने अपनी शर्त रख दी कि तुम्हें एक कार्य बनना है, एक कार्य करना है, जब वो नहीं कर पाते तब वो कहीं जा कर के गलत काम करते हैं। तो आप अपने बच्चों से गलत काम करने के लिए रोकें, उनको सफल रास्ता बनाएं। अंत में एक लाइन वो कहूँगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, कि वर्तमान का जो समय है वो कि आज देखा जाए तो बच्चे कम हैं, क्योंकि हर एक की उम्मीद रहती है कि मेरा कोई दोस्त हो। हर किसी की एक रहती है कि मेरा कोई एक दोस्त हो। तो आप अपने बच्चों के लिए स्वयं दोस्त बन जाओ, किसी का दोस्त मत बन, आप स्वयं इसके अच्छे दोस्त बन जाओ अपने बच्चों के। वो आपसे सारी बात शेयर करेंगे, लेकिन बच्चे जब कोई शेयर नहीं करता, सुनाने वाला सुनने वाला नहीं मिलता है, तब वो दूसरों को अपना मित्र बनाते हैं। आप अगर अपने बच्चों के स्वयं मित्र बन जाओ तो आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। कुछ नहीं करना आपके लिए, क्योंकि एक माता पिता है, एक मित्र के रूप में बन जाओ। उनसे पूछो आपको किस चीज़ की आवश्यकता, आपको क्या कमी है, तो बच्चे कभी गलत काम नहीं करें, गलत कदम नहीं उठाएंगे। गलत कदम कब उठाते हैं, जब आप उनके लिए सही रास्ता नहीं दिखाते। और जब आप लोगों को सही रास्ता दिखाने लगो तो बच्चे कभी गलत काम न करेंगे, न गलत कदम उठाएंगे। मैं अपनी वाणी को ही विराम दूँ, फिर अंत में उसे एक लाइन दोहरा करके कि संपत्ति की विरासत नहीं, संस्कारों की विरासत जीवन में काम में आती है। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।